हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैम। गाइस, आज हम बनाने वाले हैं चावल की खीर, एकदम झटपट से तैयार होने वाली। बनाना स्टार्ट करते हैं। हम गैस को ऑन कर लिया है और उसके ऊपर हमने एक भगोने को रख लिया है। उसमें हमने ले लिया है 2 लीटर दूध। इसको अब हम गर्म कर लेते हैं। इसमें एक उबाल लगा लेंगे। दूध में देखिए उबाल आ गया है। उबाल आने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 3 हरी इलायची। अब मैंने लिए हैं 1 कटोरी चावल। ये मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिए थे पानी में। अब इसका पानी मैंने अलग कर लिया है। ये मैं दूध के अंदर ऐड कर दूंगी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, चावल को दूध के अंदर, और इसको 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते जाएंगे मीडियम फ्लेम पर। पाँच से छः मिनट हमने इसको चला लिया है मीडियम फ्लेम पर। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब इसको हम एक बार बीच में चला लेते हैं। इसी तरीके से हम इसको आधे घंटे तक चलाते जाएंगे, क्योंकि हम जितना ही दूध को पकाएंगे हमारी खीर उतनी ही रबड़ी की तरह बन जाएगी। एक बार बीच में हम और चला लेते हैं, क्योंकि अगर हम बीच में नहीं चलाएंगे तो हमारी ये जल जाएगी। देखिए दूध में चावल भी अच्छी तरीके से मिल गए हैं, क्योंकि आधा घंटा हमें पकाते हुए हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक बाउल में मैंने 2 छोटी कटोरी चीनी ले ली है। ये मैं दूध के अंदर ऐड करूंगी और अब इसको चलाकर हम दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर ऐड करूंगी मैं थोड़े से, मैंने काजू कट कर लिए हैं बारीक, ये मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। और अब मैं ऐड करूंगी इसमें थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। आपको जो पसंद हो आप वो ड्राई फ्रूट खीर के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए खीर हमारी बनकर एकदम रेडी हो गई है। गैस के फ्लेम को मैंने बिल्कुल ऑफ कर दिया है। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। देखिए खीर को मैंने सर्व कर लिया है और इसको मैंने किया है कुल्हड़ में, क्योंकि कुल्हड़ में खाने से इसका टेस्ट डबल हो जाता है। अब मैं गार्निशिंग के लिए लूंगी थोड़ी सी काजू और बादाम मैंने कट किए हैं, मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये फ्रेंड्स खीर तो हमें ज्यादातर ठंडी ही अच्छी लगती है। अब इसको मैं 1 घंटे के लिए डीप फ्रीज कर लूंगी। 1 घंटे के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने इसको 1 घंटा डीप फ्रीज करने के बाद निकाल लिया है और देखिए खीर हमारी कितनी अच्छी लग रही है। खाने में तो इसका टेस्ट और ज्यादा डबल है। गाइज, अगर आपको मेरी इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।